आइडियल इंडिया टीवी हरिदासरा भूमि कृष्णा तुंगे हरियुवा नाडु रायचूरिना नन्ना बंधु भगनीरिगे प्रणाम गरु मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री रामानंद यादव जी, यहां के लोकप्रिय सांसद श्री राजा अमरेश्वरा नायक जी, भारतीय जनता पार्टी रायचूर अर्बन से अभ्यर्थी डॉक्टर एस शिवराज पाटिल जी, नगर के अध्यक्ष बी गोविंद, पूर्व एमएलसी एन शंकरप्पा, पूर्व नगर विधायक श्री ए पापा रेड्डी, श्री शिवा बसप्पा माली पाटिल आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और उपस्थित रायचूर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं इस धरा को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। यह हरिदासों की भूमि है जिन्होंने अपने मधुर गीतों और लोक कला के माध्यम से भारत के सनातन धर्म के मूल्यों को घर घर तक ले जाने का प्रयास किया। श्री विजयदास, श्री गोपाल दास, श्री जगन्नाथ दास, इन सभी को मैं नमन करता हूं। रायचूर के पराक्रमी राजा वेंकटप्पा राजा नायक का नमन करता हूं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ देश की स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ा था और निजाम शासक के रजागार आक्रमणकारियों के द्वारा शहीद हुए हजारों नागरिकों को भी मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं, मैं अयोध्या उत्तर प्रदेश की धरती से यहां आया हूं। अयोध्या प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि का स्थल है और कर्नाटक बजरंगबली हनुमान की पावन धरा है। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक ऐसे ही जुड़े हैं जैसे श्री राम और श्री हनुमान जुड़े हुए हैं। ये मैत्री का संबंध हजारों वर्षों से एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने का ही कार्यक्रम है और मुझे आज अपने प्रभु बजरंगबली की इस पावन धरा पर आकर के अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है कि यहां पर आकर के मैं उत्तर प्रदेश और कर्नाटका के इस प्राचीन संबंधों को आगे बढ़ाने में आप सबका आह्वान कर सकूं। भाइयों बहनों, आज भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। भारत की प्रगति दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
दुनिया के अंदर कहीं कोई संकट आता है, दुनिया आज भारत की ओर देखती है और प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर देखती है। लोगों के मन में विश्वास है, जैसे राम काज में संकट मोचक के रूप में हनुमान जी ने योगदान किया था, आज दुनिया के संकट मोचक के रूप में लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को देखते हैं कि मोदी जी संकट का समाधान कर देंगे। भारत आज G20 के देशों की भी अध्यक्षता कर रहा है, हर क्षेत्र में विकास के निर्णय प्रतिमान स्थापित कर रहा है। याद करिए, कवि निजाम के रजाकार यहां पर शोषण करते थे, अत्याचार करते थे, कभी कांग्रेस ने उनके उन रजाकारों को प्रोत्साहित करके टिकट दे करके सत्ता का हिस्सा बनाने का प्रयास किया था, लेकिन डबल इंजन की सरकार आज विकास कर रही है, विकास विकास के अभियान को आगे बढ़ा रही है। कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं एयरपोर्ट, कहीं IIT, कहीं IIM, कहीं एम्स, एक लंबी श्रृंखला, विकास की एक लंबी श्रृंखला। एक केवल घोषणा नहीं, अब तो रायचूर टेक्सटाइल का एक हब बन गया है, टेक्सटाइल का। भाइयों बहनों, यहां पर स्वीकृत टेक्सटाइल पार्क, टेक्सटाइल के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी को लेकर के हजारों युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाओं को लेकर के, यहां के कारीगरों की स्किल को आगे बढ़ाने को लेकर के, उनके हुनर को एक मंच देने का माध्यम बनेगा। बेंगलुरु पहले से ही भारत के विकास की यात्रा का सहभागी रहा है, यहां का अन्नदाता किसान पहले से ही विकास की प्रक्रिया का हिस्सा रहा है। कांग्रेस की सरकार के समय किसान सिर झुका करके चलता था, लेकिन डबल इंजन की भाजपा सरकार के समय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ने हर अन्नदाता किसान को शान के साथ, गौरव के साथ जीने का अधिकार दिया है। बेंगलुरु के नौजवानों ने बेंगलोर को IT स्किल के एक हब के रूप में स्थापित किया है, और आज दुनिया के अंदर जहां कहीं भी IT की चर्चा होती है तो पहले स्थान पर हमारा बेंगलुरु आता है। लोग बड़े गर्व के साथ बेंगलुरु को स्मरण करते हैं, कर्नाटक को स्मरण करते हैं। भाइयों बहनों, वास्तव में विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ने वाला यह IT स्किल का यह हब आज के नए भारत का, नए नालंदा और नए तक्षशिला विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत की शान के साथ आगे बढ़ाने वाली विकास की प्रक्रिया के हिस्से हैं, और उसी विकास की प्रक्रिया को कांग्रेस का फेल्ड इंजन हमेशा रिवर्स गियर में पीछे धकेलने का काम करता था। डबल इंजन की सरकार इसे डबल इंजन के साथ, डबल स्पीड के साथ, डबल डोज के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, और उसी को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए। लोग आज मुझसे पूछते हैं कि यूपी में आपको जनता इतना प्यार क्यों करती है, तो मैं एक बात कहता हूं भाइयों बहनों, मैं कहता हूं इसमें व्यक्ति नहीं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और डबल इंजन सरकार की ताकत है। ये डबल इंजन की सरकार की ताकत है, बिना भेदभाव के शासन की योजना हर गरीब को, हर नौजवान को, हरेक तबके को प्राप्त हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हो रहे हैं, पेशेवर अपराधी और माफिया जो पहले सिर तान करके चलते थे आज सिर झुका करके चल रहे हैं, और हर गरीब, हर किसान, हर व्यापारी सिर तान करके चलता है,
सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर रहा है। राम राज्य की परिकल्पना की आधार भूमि उत्तर प्रदेश फिर से बनी है, डबल इंजन सरकार की ताकत है। सुरक्षा का एक बेहतर माहौल बना है, डबल इंजन की सरकार की ताकत है। और जैसे डबल इंजन की सरकार वहां पे कार्य कर रही है, ऐसे ही डबल इंजन की सरकार ने कर्नाटका के अंदर भी किया है। डेवलपमेंट के अब के रूप में, स्किल डेवलपमेंट के लिए आईटी के अब के रूप में, टेक्सटाइल पार्क के रूप में रायचूर का नया एयरपोर्ट डेवलपमेंट की प्रक्रिया का हिस्सा है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, अब तो किसानों आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिकर, सब्सक्राइब नाउ